हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। झारखंड पुलिस 2024 और एक्साइज कांस्टेबल 2024 रनिंग से रिलेटेड, यहाँ तक कि सीएम का भी हस्तक्षेप आ रहा है कि रनिंग जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम में स्टार्ट किया जाएगा। इसके पीछे मैंने बहुत पहले जब यहाँ पे सीएम साहब से पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों से मीटिंग रखने के बाद कहा गया था कि जो है वो अगस्त में जो है अगस्त सॉरी नहीं जुलाई में हाँ जुलाई में ही जो है एक्साइज और झारखंड कांस्टेबल का रनिंग कंप्लीट कर लिया जाएगा। और मैंने उसी टाइम वीडियो बनाकर कहा था कि जो है एक्साइज का रनिंग स्टार्ट तक नहीं होगा, और अभी देखिए वही हो रहा है। लगभग लगभग जुलाई अंत होने वाला है और अभी तक जो है एक्साइज का रनिंग का कोई भी यहाँ पर प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है ये भी थोड़ा जान लीजिए। तो देखिए सीएम का ट्वीट्स भी आने लग गया है कि रनिंग पुलिस विभाग की रनिंग को प्रक्रिया जो है रनिंग की प्रक्रियाएं बहुत जल्दी स्टार्ट की जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 15 तारीख से पहले, 15 अगस्त से पहले एक्साइज कॉन्स्टेबल का रनिंग असंभव है। इसके बाद ही रनिंग की पॉसिबिलिटीज़ है। और जिस तरह से छात्र पूछ रहे थे कि सबसे पहले किसका रनिंग होगा, तो मैं अब भी कहता हूँ कि सबसे पहले एक्साइज का रनिंग किया जाएगा, उसके बाद जिला पुलिस झारखंड पुलिस का रनिंग किया जाएगा, ठीक है। और इसी सेम ग्राउंड रहेगा, ग्राउंड चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही एक्साइज का रनिंग छात्रों का कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है जिला पुलिस के छात्रों को बुलाया जाएगा। अगर इलेक्शन जो है तब तक समाप्त नहीं हुआ, तब अगर इलेक्शन समाप्त हो जाता है तो फिर जिला पुलिस के दौड़ अभी पॉसिबल नहीं होंगे। लेकिन एक्साइज का रनिंग जो है आपके इस सरकार में होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है, इसलिए रनिंग पे विशेष ध्यान दें। रनिंग के लिए बहुत शॉर्ट नोटिस बुलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आज अगर 1 तारीख है तो आज नोटिस दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि 7 तारीख से रनिंग है, मतलब 5 से 6 दिन 7 दिन के अंदर में जो है वो रनिंग स्टार्ट किए जाएंगे। सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि अभी रनिंग जो है वो नहीं होने वाला, लेकिन अगस्त में जो है वो रनिंग होगा, इसके भी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। इस चैनल पर अगर न्यू है जो उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।